दोस्तों आज हम आए हुए हैं खुर्जा तरी नान की तरफ खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ, और इस वक्त शाम हो रही है तो अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। अभी देखिए माहौल यहाँ का, अब तो 15 अगस्त है, इस वजह से तिरंगे आप देख सकते हैं हर जगह। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये ऊपर स्पाइडरमैन के तार जा रहे हैं। अभी जब खाना खाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें नॉन वेज में है मोस्टली चीज़ें इधर। हमने फिलहाल जलेबी और दही ले ली है खाना खाने से पहले, यहीं पे बराबर में। तरी नान एरिया में ही बिलाल होटल यहाँ बैठे हुए हैं खाने के लिए, और यहाँ पे मोस्टली नॉन वेज भरा पड़ा है। एक तरफ से यू टर्न टाइप का है, एक तरफ निकलेंगे आप दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, और करीब अलीगढ़ से 50 किलोमीटर आपको खुर्जा पड़ेगा। तो तरीन भी तकरीबन आपको 51 पड़ जाएगा, अगर 51-52, क्योंकि अंदर है थोड़ा, रोड से ज़्यादा अंदर नहीं है, तो आप आ सकते हैं। और हमारे अनस भाई के छत्र छाया में आएंगे तो कम से कम 60-70 किलोमीटर पड़ जाएगा। आप खुर्जा बहुत अच्छी जगह है, और जब भी आए तरी नान पे आए खाने, और लोकेशन डाल लें अगर किसी को एड्रेस ना पता हो तो। और ये आ चुका है कबाब, और ये आ गई है रंग बिरंगी चंगेजी। कबाब के बाद चंगेजी आई है। आसिफ भाई कबाब खाने में मज़ा आ रहा है आपको? आसिफ भाई तो कोल्ड ड्रिंक भी पिए जा रहे हैं। सुभान साहब की जिम्मेदारी है कोल्ड ड्रिंक निकालने की। और ये आ गई आपकी रुमाली रोटी, कोल्ड ड्रिंक, रुमाली रोटी, कबाब और आपकी चंगेजी, अभी फ्राई आएगा। ये अनस भाई खिलवा रहे हैं अपनी तरफ से हर चीज़। अनस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फुल ग्रेवी टिक्का है ये, कबाब, चंगेजी और ये टिक्का। तो दोस्तों खाना हम फाइनली खा चुके हैं, और खाना खाने के बाद आपको मार्केट दिखा रहे हैं, पूरे खाने के भी आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल हमारे आसिफ भाई यहाँ पे कबाब पैक करवा रहे हैं घर ले जाने के लिए, तो यहाँ से कबाब फाइनली आपके जाएंगे अलीगढ़। वैसे आपको बता देंगे, शायद आपको पता भी होगा, खुर्जा की घेवर और ख़ासकर खुरचन बहुत मशहूर है। ये तो फिलहाल घेवर है आपका, देखिए ये इसी मार्केट में है जहाँ पे आप खाना खाने के लिए आएंगे, यहीं पे ये भी लगाया हुआ है। दोस्तों खाना खाने के बाद अब अलीगढ़ की वापसी हो रही है। ये छोटा ब्लॉग था बस दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये मीन खुर्जा को भी खाने के लिए चूज़ कर सकते हैं अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो बीच में रुककर। तो यहाँ बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के पास आप आकर खाना खा सकते हैं। ख़ासकर यहाँ पर नॉन वेज है, वेज तो हमें कहीं दिखा नहीं, नॉन वेज ज़्यादातर है यहाँ पर। और एरिया का नाम हमने शुरू में बताया था आपका, तरी नान एरिया है ये खुर्जा में, तो आप आइए खाइए। मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, ये छोटा काफ़ी ब्लॉग होगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ब्लॉग में।